हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें, तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये हैं धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्त अंक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं मंटू कुमार, और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन लेक्चर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसे अच्छा से क्लियर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100 में 100 आएगा ही। साथ ही एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक या कोई भी टेक ग्रुप का एग्जाम होगा, आप उसे अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा और घर बैठे मैथ में महारत हासिल कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन दिया कि यदि एक्स के पावर वाई बराबर वाई के पावर एक्स, तो डीवाई बटा डी एक्स निकालें, ठीक है। एक्स के पावर वाई बराबर वाई के पावर एक्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है? पहले मान लीजिए जब सॉल्यूशन करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? एक्स के पावर वाई बराबर वाई के पावर एक्स। तो हमने सूत्र पढ़ा है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। लेकिन डी बाई डी एक्स एक्स के पावर वाई का हमने सूत्र नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक यहाँ पे चर है, ऊपर अचर है। यहाँ पे ऊपर चर है, नीचे अचर है। इसमें ऊपर चर है, नीचे अचर है, लेकिन इसमें नीचे भी चर, ऊपर भी चर, क्योंकि हम जानते हैं एक्स वाई जेड क्या है? चर है। तब ऐसा क्वेश्चन जिसमें नीचे भी चर हो और ऊपर भी चर हो, उसको हमेशा हम लॉग लेके बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। इस बात को आप याद कर लें। वैसा क्वेश्चन जिसमें नीचे भी चर हो, ऊपर भी चर हो, मतलब नीचे भी एक्स वाई वाला हो, ऊपर भी एक्स वाई वाला हो, ठीक है, तो उसको हमेशा हम लोग लॉग लेके बनाएंगे। तो क्वेश्चन लिख दिए, अब हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। अब लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आगे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखें, लॉग एक्स के पावर वाई, और पीछे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई के पावर एक्स। पहला काम है कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो आगे लॉग लेंगे तो एक्स के पावर वाई, या पीछे लॉग लेंगे तो वाई के पावर एक्स है। और कल हमने आपको सूत्र बताया था कल के लेक्चर में कि अगर लॉग एम के पावर एन हो, ठीक है, तो जो भी आगे लॉग लगा हो, ठीक है, यहाँ पे एक बेस हो, एक पावर हो, तो पावर वाला जो होता है लॉग के आगे गुणा में आ जाता है। जो भी पावर में होता है लॉग के आगे गुणा में आ जाएगा। तो पावर में एन है तो लॉग के आगे गुणा में आ जाएगा, तो एन क्या हो जाएगा? लॉग एम, ठीक है। लॉग आगे लगा हो, यहाँ पे कोई बेस में हो, कोई पावर में हो, तो इसका सूत्र होता है जो भी पावर रहेगा लॉग के आगे गुणा में आ जाएगा, ठीक है। वही हाल यहाँ है, हम देख रहे हैं कि आगे लॉग लगा है, तो अपने आप से जो भी यहाँ पे पावर में वाई है आगे गुणा में आ जाएगा। जब गुणा में आ गया तो क्या हो जाएगा? वाई, ठीक है, क्या बचेगा? लॉग एक्स बराबर, यहाँ पे देखें पावर में एक्स से आगे गुणा में आ गया तो क्या होगा? एक्स, क्या बच जाएगा? लॉग वाई। अब देखें, अब तक हमने क्या किया? सवाल को क्लियर किया, सवाल को सीधा किया, अब जाके इसका हम डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। चूंकि हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स को देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम डी बाई डी एक्स देंगे तो आगे भी देंगे डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स, और पीछे भी देंगे डी बाई डी एक्स एक्स लॉग वाई।
ठीक है, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देना क्या है, जरूरी है। उसके बाद मैं आप लोगों को डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का सूत्र पढ़ा दिया हूँ पहले लेक्चर में, कि अगर यह यू इंटू वी है तो यू इंटू वी में जो कुछ भी क्वेश्चन हो उसको दो जगह लिखेंगे। इस बात को हम याद रख लेंगे कि जो क्वेश्चन हो कितना जगह लिखाएगा, दो जगह। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई इंटू लॉग एक्स, तो कितना जगह क्वेश्चन लिखाएगा, दो जगह। तो लिखा गया देखिए वाई इंटू लॉग एक्स या फिर प्लस दो जगह, इस क्वेश्चन को दो बार लिखना है वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है, वाई इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स हमने कितना बार लिख दिया, दो बार। फिर हमने बराबर का चिन्ह दे दिया, और इधर भी देख रहे हैं कि यू इंटू वी पे टूटेगा, तो यहाँ भी क्वेश्चन को दो जगह लिखेंगे, तो क्या हो गया एक्स लॉग वाई प्लस एक्स लॉग वाई, क्लियर है। उसके बाद हम जानते हैं कि यू इंटू वी पे क्वेश्चन को दो जगह लिखने पे आगे वाला में डी बाई डी एक्स देते हैं, और पीछे वाला में आगे वाला में डी बाई डी एक्स, पीछे वाला पीछे में क्या देते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। आगे वाला में डी बाई डी एक्स, पीछे वाला पीछे में डी बाई डी एक्स, इधर भी आगे वाला में डी बाई डी एक्स और पीछे में डी बाई डी एक्स देते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि डी वाई बटा डी एक्स का तमाम सेम होता है, डी वाई बटा डी एक्स का डी वाई बटा डी एक्स, बगल में लॉग एक्स से गुणा है तो हमने लॉग एक्स से उस तरह गुणा कर दिया, प्लस वाई के लिए तो वाई रहेगा, और हम सूत्र जानते हैं कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो हमने लिख दिया वन बाई एक्स, क्योंकि सूत्र है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का वन बाई एक्स। आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं डी एक्स बटा डी एक्स का मान होता है वन, इसलिए क्या बचा, लॉग वाई बचा, तो लॉग वाई लिख देंगे, प्लस एक्स का तो एक्स ही होगा, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का वन बाई एक्स, इसलिए लॉग वाई का वन बटा वाई, लॉग एक्स का वन बटा एक्स होता है तो लॉग वाई का वन बटा वाई होगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे वन बटा वाई। साथ में अभी हम ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाई है और नीचे एक्स है, ऊपर वाई है नीचे एक्स है, तो अगर ऊपर वाई नीचे एक्स है तो किससे गुणा करेंगे, फिर डी वाई बटा डी एक्स से, क्लियर है, डी वाई बटा डी एक्स से गुणा कर लिए, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो हम सवाल को बना लिए, अब हमें क्या करना है कि डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सभी डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, या तो एल एच एस में या तो आर एच एस में। तो हम आगे एल एच एस में ही सभी डी वाई बटा डी एक्स को कर ले रहे हैं, तो सबसे आगे क्या है डी वाई बटा डी एक्स है, देखें डी वाई बटा डी एक्स क्या है, लॉग एक्स है, ठीक है। और देखें इधर देख रहे हैं कि डी वाई बटा डी एक्स यहाँ भी है, जब गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा y, तो जाएगा x बटा वाई हो जाएगा, ठीक है, और डी बटा डी एक्स इसके साथ है, ये प्लस में आ गया तो किस में होगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस एक्स बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स, क्लियर है। हमने दोनों डी वाई बटा डी एक्स को आगे कर लिया, ये वाला है, और देख रहे हैं इसको जब गुणा करेंगे तो एक्स बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब बिना डी वाई बटा डी एक्स ले को एक तरफ कर लेंगे, तो पहले से आर एच एस में क्या है, लॉग वाई है, लॉग वाई है, और इधर देख रहे हैं कि वाई बटा एक्स, जब गुणा होगा तो वाई बटा एक्स हो जाएगा, इधर प्लस में है पीछे जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा माइनस वाई बटा क्या हो जाएगा एक्स। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है डी वाई बटा डी एक्स, तो हम दोनों में कॉमन ले लिए डी वाई बटा डी एक्स, जब हमने दोनों में कॉमन डी वाई बटा डी एक्स लिया तो यहाँ पे क्या बचा, लॉग एक्स, तो हमने लिख दिया लॉग एक्स, और माइनस यहाँ पे लॉग एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा एक्स बटा वाई, ठीक है। आ इधर उसी तरह रहने देंगे, लॉग वाई माइनस वाई बटा एक्स। आगे देखें डी वाई बटा डी एक्स, एक काम करें इसको हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन कर लें, मतलब भिन्न का जोड़ बना लें, भिन्न का जोड़ बनाना आप सबको आता है, कुछ नहीं तो बटन वन है तो वन का वाई के एलसीएम क्या होगा वाई, ठीक है, वन से वाई में भाग दिया जाएगा तो वाई बार में कटेगा, वाई से ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा वाई लॉग एक्स। हमको मालूम है कि आप लोग भिन्न का घटाव जानते हैं, अब देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स, इसको भी कर लें कुछ नहीं तो बट्टा में वन रहता है तो वन एक्स का एलसीएम क्या होगा एक्स, वन से एक्स में भाग देंगे तो एक्स बार में ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स लॉग वाई, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल क्या बचेगा वाई। आगे बढ़ेंगे, चूंकि हमें किसका मान निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का,
तो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो आगे की तरफ डी वाई बटा डी एक्स को छोड़ के बाकी को उड़ा के लेके उधर जाएंगे। जब बाकी को उड़ा के लेके उधर जाएंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आगे एल एच एच में 3/5 हो तो पीछे जाता है तो क्या जाता है 5/3 पलट जाता है, मतलब गुणा जो होता है भाग में हो जाता है, भाग किस में हो जाता है गुणा में। तो यह आगे से जो भी जाएगा तो वाई यहाँ पे नीचे है तो उधर ऊपर हो जाएगा, मतलब भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, और ये वाला ऊपर है तो उधर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो जब डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या है देखे तो एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स है, ठीक है उधर पहले से, और ई वाला आगे से जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा होगा तो बट्टा में वाई है तो ऊपर हो जाएगा वाई, ठीक है नीचे क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, और मन तो सीधा गुणा कर दे तो एक्स वाई को एक साथ कर दे, ठीक है वाई को आगे कर दे वाई से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा देखे तो वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अब बट्टा एक्स से गुणा जब ठीक है ऊपर वाई है तो आगे ला के इसे गुणा कर दिए, नीचे एक्स है तो एक्स से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स जो कि हो जाएगा मेरा आंसर। यदि क्वेश्चन मान लीजिए मिल जाए यदि y बराबर x के पावर साइन x तो dy वाई बटे डी एक्स निकाले, क्लियर है यदि y बराबर x के पावर साइन x तो dy वाई बटे डी एक्स निकाले। अब देखें जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो दिया उसको लेंगे, क्या दिया है y बराबर x के पावर साइन x, अब देखें इसमें नीचे भी x मतलब नीचे भी चर और ऊपर भी साइन एक्स, साइन के साथ एक्स है मतलब ऊपर भी चर और नीचे ऊपर दोनों चर हो, नीचे ऊपर दोनों वेरिएबल होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉग लेना जरूरी है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ही बनेगा, हमेशा के लिए इस बात को याद कर ले। कल के भी लेक्चर में पढ़ाया था कि नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी वेरिएबल हो ठीक है तो उसको बनाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे, हमेशा के लिए आप भी पढ़ लें तो हम लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आगे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग वाई, आगे लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई और पीछे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है आगे बढ़ेंगे तो लॉग वाई बराबर, अभी तुरंत हमने पढ़ाया कि अगर आगे लॉग हो, आगे लॉग हो तो बगल में जो भी पावर में रहेगा, जो भी कुछ पावर में रहेगा आगे गुणा में आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे पावर में क्या है साइन एक्स है तो पावर में साइन एक्स है तो आगे गुणा में आ जाएगा तो क्या होगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है एकदम मैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ, 100 में 100 प्राप्त करने के व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है आप लोग भी संचित होकर स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, अगर एक बार वीडियो समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास है, उसके बावजूद भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्लियर है याद रखिए अगर आगे लॉग हो तो जो भी पावर में होगा आगे गुणा में आ जाएगा बाकी उतर जाएगा, और यहाँ तक तो हमने सवाल को सेट किया क्योंकि अब हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे, तो जब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे तो जब आगे डी बाई डी एक्स देंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई, और जब पीछे डी बाई डी एक्स देंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स दे दिया आगे भी और पीछे भी, आगे हम इंट्री मार रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x, इसलिए लॉग वाई का होगा 1/y, ठीक है तो 1/ क्या लिख दिया वाई, लॉग वाई का 1/y, और ऊपर वाई है और नीचे एक्स है, ऊपर वाई है और नीचे एक्स है, जब हम जानते हैं ऊपर वाई और नीचे एक्स हो तो बगल में किससे गुणा होगा डी वाई बटा डी एक्स है, तो बगल में डी वाई बटा डी एक्स से गुणा भी हो गया, ठीक है क्योंकि ऊपर इसमें वाई था नीचे क्या था एक्स था, इसको देख रहे हैं कि ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला दोनों के दोनों चर है तो यू इंटू वी पे टूटेगा, और यू इंटू वी का मैं सूत्र बता दिया हूँ कि जो भी क्वेश्चन हो कितना जगह लिखा जाएगा 2 जगह, जब इस क्वेश्चन को 2 जगह लिखेंगे तो क्या होगा देखे तो साइन एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स, जो भी क्वेश्चन है 2 जगह लिखाएगा, तो क्वेश्चन क्या है साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, हमने 2 जगह लिख दिया, आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स और पीछे वाला में पीछे में डी बाई डी एक्स, आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स पीछे वाला में पीछे डी बाई डी एक्स, आगे बढ़ना है जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स
अब आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मान क्या होता है, कॉस एक्स, तो हमने कॉस एक्स लिख दिया। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स, तो हमने कॉस एक्स लिख दिया। बगल में क्या है, लॉग एक्स, तो हमने लिख दिया लॉग एक्स। अब प्लस साइन एक्स के लिए तो हमने साइन एक्स ही रहने दिया। और हम अच्छी तरह जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का मान होता है वन बाई एक्स। देखिए कोई भारी नहीं है, केवल देखने में लंबा है, अगर स्टेप बाई स्टेप समझेंगे तो खूब समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह उतार लिए और u इंटू वी पे तो दो जगह लिखते हैं, आगे में डी बाई डी एक्स, पीछे में डी बाई डी एक्स। आगे में जब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और पीछे में लॉग एक्स का वन बाई एक्स। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन बाई वाई तो उसी तरह आ जाएगा, वन बाई वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, वन बाई वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स उसी तरह से है, कॉस एक्स और क्या है लॉग एक्स। अब प्लस जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा एक्स। क्लियर है, और अपना हम एक लाइन बचा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई जो है भाग में है, भाग में है मतलब नीचे है, तिधर आ गया तो कहाँ होगा, ऊपर होगा। चाहे भाग में है तिधर आ गया तो किस में होगा, गुणा में होगा। ठीक है, तो अपने एक लाइन बचा ले रहे हैं, तो वाई जो है इधर भाग में है, इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। किस में होगा, गुणा में। क्लियर है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मेरा मान निकल गया। अब मन करें तो वाई का मान भर दें, तो आगे वाई का मान भरेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर। जब यहाँ पे वाई का मान भरा जाएगा तो वाई का मान है क्या, आप लोग देखें तो वाई का मान क्या है, एक्स के पावर क्या है, साइन एक्स है। तो इस वाई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, एक्स के पावर साइन एक्स। और उसी तरह क्वेश्चन को उतार लिया, क्या है क्वेश्चन, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक टफ क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे यदि वाई बराबर एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स तो डी वाई बटा डी एक्स निकालें। ठीक है, यह क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए उससे काफ़ी भिन्न है। कैसे भिन्न हो देखें, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे तो एक्स के पावर साइन एक्स था, ऊपर केवल साइन एक्स एक ही फंक्शन था। देखें केवल साइन एक्स, लेकिन अब की बार ऊपर दो फंक्शन है, एक्स भी है और कॉस एक्स भी है, इसलिए क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डिफरेंस है। अब देखें उसे बनाएंगे कैसे। पहला रूल तो हम सबको मालूम है, क्या कि नीचे भी चर ऊपर भी एक्स चर है। तो पहला रूल यह है कि दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो बनाने के लिए पहले जो दिया उसको ले लेंगे, दिया है क्या, दिया है वाई बराबर एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स। पहले हम लोग कहा कि दोनों तरफ क्या ले लिए, लॉग ले लिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो जब आगे लॉग लेंगे तो हो जाएगा आपका लॉग वाई, और इधर जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स। देखें एक्स कॉस एक्स है, यह भी एक क्या है, चर है, और कॉस एक्स भी एक्स है, दो चर है। कचर होता तो सही रहता, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, चर है। अब देखें आगे बढ़े थोड़ा, लॉग वाई हम अच्छी तरह जानते हैं कि आगे लॉग लेते हैं तो जो भी पावर में होता है आगे की तरफ गुणा में आ जाता है। तो पावर में है तो आगे की तरफ गुणा में आ गया तो क्या होगा, एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर जो है ऊपर एक्स कॉस एक्स आगे उतर आया। ठीक है, एक्स कॉस एक्स क्या बचा, लॉग एक्स। एक बार समझाऊँ, ऊपर जो पावर में एक्स कॉस एक्स से आगे नीचे उतर आया तो क्या बचा, लॉग एक्स बचा। अब तो हमने सवाल को सीधा कर लिया, जब हम सवाल को सीधा कर लिए तब हमें इसका क्या निकालना है, अब तक तो हमने सवाल सीधा किया, अब है हमें इसका निकालना है डी बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स। जब हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो आगे भी ले लेंगे डी बाई डी एक्स लॉग वाई, और पीछे भी ले लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। हमने आगे पीछे दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लिया। अब देखें इसको सॉल्व करें, हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का वन बटा एक्स, तो लॉग वाई का वन बटा वाई पढ़ चुके हैं, तो लॉग वाई का वन बटा वाई, लेकिन ऊपर वाई है और नीचे एक्स है तो किससे गुणा करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स से। यहाँ लोग पढ़े हैं कि लॉग वाई का वन बटा वाई, ऊपर वाई है और नीचे एक्स है तो डी वाई बटा डी एक्स हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसमें देखें एक्स भी एक चर है, यहाँ भी कॉस एक्स भी चर है, लॉग एक्स भी चर है, तीन गो चर है। ठीक है, तीन गो चर है, अगर कोई एक अचर होता है इसे यहाँ पे दो होता तो बाहर निकाल देते,
और यहाँ का यू इंटू वी पे तोड़ देते हैं, लेकिन तीन गो चर है। तो एक बात याद रखें, तीन गो चर हो या चार गो चर हो या पांच गो चर हो, उसको दो तरीकों से बना सकते हैं, एक लॉग लेके और दूसरा यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू पे तोड़ के। ठीक है, जैसे याद करें, तीन गो चर हो तो इसे तीन जगह लिखेंगे, चार गो चर हो तो चार जगह लिखेंगे, पाँच गो चर हो तो पाँच जगह लिखेंगे। क्लियर है डिफ्रेंशिएशन में? तो यहाँ पे तीन को चौर है तो इसे तीन जगह लिखेंगे, तो तीन जगह लिखेंगे तो क्या होगा, x cos x log x, एक जगह हुआ अभी देखें, फिर लिखेंगे x cos x log x, दो जगह हुआ, फिर x cos x log x, तीन जगह हो गया। ठीक है, याद रखें तीनों तो एक दो तीन, तीनों के तीनों चौर हैं, तो क्वेश्चन जो भी होगा उसे तीन जगह लिखेंगे, एक जगह लिख दिए, दो जगह लिख दिए, तीन जगह लिख दिए। अगर इसमें चार गो चर होता, ठीक है, तो जो भी एक क्वेश्चन होता उसे चार जगह लिखते, एक जगह दो जगह तीन जगह एक जगह और। आज जब इसे हमें डी बाई डी एक्स निकालना है तो पहला में डी बाई डी एक्स देंगे, पहला में आगे डी बाई डी एक्स देंगे, पहला में, दूसरा में डी बाई डी एक्स देंगे दो नंबर वाला में, और तीसरा में डी बाई डी एक्स देंगे। कितना आसान है ना, देखें तीन को चार हो तो तीन जगह लिखेंगे, चार को चार हो तो चार को चार लिखेंगे, पहला में डी बाई डी एक्स देंगे बाकी दो गुणा में रहेगा, दूसरा में डी बाई डी एक्स देंगे बाकी दो गुणा में रहेगा, तीसरा में डी बाई डी एक्स देंगे बाकी दो गुणा में रहेगा। क्लियर है, आगे एक लाइन और बढ़ रहे हैं, तो वन बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है वन, कैसे ऊपर भी डी एक्स नीचे भी डी एक्स, इसका मान हो गया वन, तो यहाँ पे क्या बचा है, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स तो है तो एक्स के लिए एक्स लिख दिया हमने। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का मान क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स चूंकि होता है तो माइनस यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स, और लॉग एक्स को हमने उसी तरह लॉग एक्स कर दिया प्लस। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स के लिए तो हमने एक्स लिखा और कॉस एक्स के लिए हमने कॉस एक्स लिखा, और हम देख रहे हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स। तो हमने सबका डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया। अब आगे बढ़ने, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे तो इसी तरह से है, वन बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स लॉग एक्स है, तो हमने लिख दिया कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस से गुणा है, ठीक है, माइनस है गुणा है, जब माइनस से गुणा होगा आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, कॉस एक्स बच गया है। क्लियर है, अब देखें, अब हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो लिख लेंगे इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देख रहे हैं कि वाई जो यहाँ पे बट्टा में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इधर आए तो जब गुणा में होगा तो क्या होगा, वाई इंटू क्या हो जाएगा, देखें तो कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बट्टा में वाई था उधर गया तो गुणा में हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे केवल वाई के मान को पुट कर देंगे, तो y का मेरा मान क्या था, तो x के पावर x cos x, तो यहाँ पे x के पावर x cos x इंटू जो बाकी उतार लेंगे तो क्या हो गया, cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि y बराबर x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 के होल पावर x स्क्वेयर, और कह रहा है कि x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालें, मतलब इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है हमें। क्लियर है, तो एक बात याद रख लें, जब इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो देख रहे हैं कि कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं कि नीचे भी x और ऊपर भी x, नीचे भी चर ऊपर भी चर, तो इसका मतलब इसको तो लॉग लेके बनाएंगे। अब देखें नीचे भी x ऊपर भी x, इसको भी लॉग लेके बनाएंगे, लेकिन प्लस में करके दो सवाल दे दिया है, प्लस में करके दो सवाल दे दिया है, इसका मतलब दोनों को दो बार बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है y बराबर x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर। ठीक है,
तो देख रहे हैं कि प्लस में दिया है, तो अब इसको तो अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, और लास्ट में आके इसी के साथ क्या करेंगे, आंसर को रख देंगे। और एक बातें समझे, अगर आप यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहता है, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर एक्स माइनस थ्री के पावर एक्स स्क्वायर, देखें यह क्वेश्चन अलग है और यह क्वेश्चन अलग है, दोनों दो तरह का है, देखने में बस एक जैसा लग रहा है, ठीक है। क्यों अलग है? क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के साथ प्लस में जुड़ा है, तो उसका मान हमने वाई माना है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों दोनों बराबर हैं, अगर इसका मान 5 kg है तो इसका भी मान 5 kg है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। लेकिन इसमें दोनों बराबर नहीं है, दोनों को जोड़ने पे वाई आएंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा कोई भी नहीं जानता। तो याद रख लें, अगर प्लस से जोड़ के सवाल दिया हो तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब बराबर में दिया हो तो अलग चीज़ है, जब बराबर में दिया हो तो ऐसा सवाल में शुरू में एक बनाया, इसको हम डायरेक्ट खींच देंगे, दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो पावर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यू इंटू वी पे आगे वाला को भी तोड़ देंगे, यू इंटू वी पे पीछे वाला को भी तोड़ देंगे, और सवाल आसानी से बन जाएगा। जब बराबर में दिया हो तब आसानी से बनेगा, लेकिन जो भी प्लस में दिया हो, ठीक है, तब इसको अलग 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 दो भाग में बनाना पड़ेगा, और अलग अलग दो भाग में बनाकर एक साथ आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके यह बनेगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इस तरह क्वेश्चन बनाने का रूल है, पहले हमने क्या किया, वाई बराबर आगे वाला को यू और पीछे वाला को भी मान लिया, यही रूल है। अब यहाँ पे यू भी चर के जैसा काम करेगा, सवाल को बनाने के लिए इसको यू मान ले, इसको भी मान ले, या इसको वाई वन मान ले, इसको वाई टू मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब जब हम डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी यू बटा डी एक्स होगा, और यहाँ पे डी वी बटा क्या होगा, डी एक्स होगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सवाल को चूंकि प्लस में दो का सवाल है, तो एक क्वेश्चन को हमने यू माना, दूसरे को हमने भी माना, ठीक है। अब जब इसका डी यू बटा डी एक्स निकालेंगे तो आगे यू है, तो डी यू बटा डी एक्स होगा, फिर डी वी बटा क्या होगा, डी एक्स होगा, क्लियर है। अब हम क्या करें, पहले यू को बनाएं और फिर वी को बनाएं, अब जाके हम सवाल बनाना शुरू कर रहे हैं। देखें एकदम मन को शांत रखें, समझ जाएंगे इसमें दो को क्वेश्चन है, दोनों को हमें बनाना है, बस लाइन बाई लाइन करके, जब दोनों का आंसर आ जाए तो डी वाई बटा डी एक्स में यहाँ पहला का आंसर यहाँ भर दे, दूसरा का आंसर यहाँ भर दे, बस देखने में बड़ा लगता है, बनाना बहुत आसान है। तो हम समझ जाए पहले हमें पहला सवाल बनाना है, ठीक है। तो हम लेंगे अब यू बराबर पहला सवाल हम बनाने जा रहे हैं, क्या है पहला सवाल, यू का मान एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस तीन, पहला सवाल बनाएंगे, फिर दूसरा सवाल बनाएंगे, फिर दोनों का मान भर देंगे, आंसर हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस में भी एक्स है, पावर में भी एक्स है, तो लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आगे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू, और पीछे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस तीन, हमने आगे भी लॉग ले लिया और पीछे भी लॉग ले लिया, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और क्या हो गया आपका, लॉग यू बराबर, हम जानते हैं कि अगर आगे लॉग लेते हैं, आगे लॉग, ठीक है, तो जो भी पावर में रहता है आगे गुणा में आ जाता है, तो पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस तीन आगे गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस तीन गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स, जो भी पावर में एक्स स्क्वायर माइनस तीन आगे गुणा में आ गया, तो यहाँ पे बच गया लॉग एक्स। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहला सवाल मेरा अच्छी तरह से सेट हो गया, पहला सवाल सेट हो गया, तब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स दे देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन निकल जाएगा, तो आगे भी हमने क्या दे दिया, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग यू, और पीछे भी हमने दे दिया डी बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस तीन और इंटू लॉग एक्स, आगे भी हमने डी बाई डी एक्स दे दिया, पीछे भी हमने डी बाई डी एक्स दे दिया, क्लियर है। मैं बोल दिया कि एकदम मन शांत रहे, बुझे कि एक पहला सवाल बनाएंगे फिर दूसरा सवाल बनाएंगे, बुझे कि दो सवाल है, घबराएंगे तो घबरा जाएंगे, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे, मैं अगले लेक्चर में जरूर जवाब दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया लॉग यू, यहाँ पे हो गया, दोनों को डी बाई डी एक्स निकालेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यू जो है चर की तरह काम करेगा जब मानेंगे, तो हम अच्छी तरह जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, लॉग वाई का होता है वन बाई वाई, तो लॉग यू का क्या होगा, वन बाई यू, वन बाई यू, चूंकि यू ऊपर है, यू यू पर है, एक्स नीचे है, तो किससे गुणा होगा, डी यू बटा डी एक्स, डी यू बटा डी एक्स से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इधर बढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस तीन
लॉगेस्ट, दोनों दो चर हैं, तो यार यू इंटू वी पे टूटेगा। तो हम जानते हैं कि जब यू इंटू वी वाला क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में कितना जगह लिखते हैं, दो जगह लिखते हैं, कितना जगह, दो जगह। तो इस क्वेश्चन को दो जगह लिखेंगे तो क्या होगा बोले तो, एक्स स्क्वेयर माइनस तीन इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस तीन इंटू लॉग एक्स, मतलब यू इंटू वी का कोई भी क्वेश्चन हो तो जो भी क्वेश्चन हो उसे कितना जगह लिखते हैं, दो जगह। तो जो क्वेश्चन को हमने दो जगह लिख दिया, आगे बढ़ रहे हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, वन बटा यू इंटू डी यू बटा डी एक्स बराबर, एक मिनट, पहले दो जगह लिख के, या आप लोग जानते हैं कि यू इंटू वी पर तोड़ते हैं तो दो जगह लिखते हैं और आगे में डी बाई डी एक्स देते हैं और पीछे में कहाँ देते हैं, पीछे में डी बाई डी एक्स देते हैं। क्लियर है आपका, आगे में आगे डी बाई डी एक्स, पीछे में पीछे डी बाई डी एक्स, ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के कहा होगा, तो पावर में दो है तो नीचे आएगा, पावर में वन बचेगा तो दो नीचे आएगा, पावर में वन बचेगा तो वन लिखो तो न लिखो तो। और पहले हमने डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का निकाल लिया, अब फिर बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स तीन का मान क्या होगा, जीरो। क्यों डी बाई डी एक्स तीन का मान होगा जीरो, क्यों जीरो होगा, क्योंकि जिसमें एक्स नहीं हो उसका मान जीरो होता है, क्योंकि जिसमें एक्स नहीं उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए डी बाई डी एक्स तीन का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, डी बाई डी एक्स तीन का हो जाएगा जीरो, तो जीरो घटाएं तो और नौ घटाएं तो बात क्या है, बराबर है। तो इसको हमने ऐसे ही क्या किया, छोड़ दिया, बगल में क्या है लॉग एक्स, तो हमने लॉग एक्स लिख दिया प्लस, ये तो उसी तरह गुणा में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यू जो है, यू यू जो है भाग में है, बट्टा में है, तो इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में आएगा, किस में आएगा, गुणा में आएगा। तो गुणा में आएगा तो क्या होगा, डी यू बटा डी एक्स का मान क्या हो गया, जब ये गुणा में आएगा तो यू इंटू, ठीक है, यू भाग में इधर आएगा तो गुणा में आएगा तो क्या होगा, यू इंटू, और क्या बचेगा देखे तो टू एक्स लॉग एक्स प्लस, ये दोनों में जब गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगा एक्स। क्लियर है, और ये बट्टा में जो यू इधर गया तो गुणा में। आगे बढ़ेंगे तो अब हमें यू का बस मान भर देना है, तो यू का मान हमने क्या माना था, यू का मान हमने माना था एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस तीन, तो यू के स्थान पर हम यही मान भर देंगे तो एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस तीन, तो क्या बचा इंटू टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तीन अपॉन एक्स। तो देख ले, मैं बोल दिया एकदम सांचित होकर बना रहे, बुझे कि हमने पहला सवाल को बना लिया, घबराएंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे बड़ा बड़ा सवाल देख के, ठीक है, पहला सवाल को बना लिया। इस तरीके से हमें अब दूसरे सवाल को भी बनाना है, ठीक है, और दोनों का आंसर के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है, हो गया। तो पहला का आंसर मेरा यह हो गया, ठीक है, पहला का आंसर थोड़ा हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, बाद में काम करेगा, डी वी बटा डी एक्स बराबर क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस तीन इंटू टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तीन अपॉन एक्स, ये पहला का आंसर था मेरा। अब एकदम आप लोग क्लियर हैं, हमने पहला सवाल को बना दिया है, अब इसमें का दूसरा बनाने जा रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। और जब हम मिटाएंगे ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यह है, ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन बन गया, अब दूसरा लिखेंगे, तथा जहां यहां तक जहां लिखे थे उसके आगे, ठीक है, जहां जहां तक लिखे थे उसके आगे बना रहे, ठीक है। तथा भी बराबर क्या था, एक्स माइनस तीन की होल पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जहां तक यहां हम पढ़ाए थे अब उसके आगे यहां से लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। क्लियर है, तो हम क्वेश्चन नंबर दो भी लिख लिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आगे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग भी, अब पीछे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस तीन के होल पावर एक्स स्क्वेयर। क्लियर है, हम जानते हैं कि आगे लॉग लेते हैं तो जो भी पावर में होता है कहाँ उतर आता है, आगे गुणा में, तो क्या हो गया आपका, लॉग भी बराबर एक्स स्क्वायर, आगे आ गया तो एक्स स्क्वायर
लॉग एक्स माइनस तीन, क्लियर है। लॉग लेने पे जो पावर में रहता है आगे गुणा में आता है, क्लियर है। अब देखें, अब तक तो हम इस सवाल को क्या किया, सेट किया, सवाल को सेट किया। अब जब सवाल या सेट हो गया तो हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे, तो जब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे तो आगे भी देंगे डी बाई डी एक्स लॉग भी, और पीछे भी देंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर डॉट लॉग एक्स माइनस तीन। हमने आगे पीछे दोनों तरफ क्या दे दिया, डी बाई डी एक्स दे दिया, क्योंकि हमें इसे का डी बाई बटे डी एक्स निकालना था। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो डी बाई डी एक्स इसका तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा, वन बटा वी इंटू डी वी बटा डी एक्स। इसे कितना जगह लिखेंगे हम लोग, दो जगह। जब दो जगह हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा बोले तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, लॉग एक्स माइनस तीन, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको अलग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, उसको अलग है। तो इसको दो जगह लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स माइनस तीन, और फिर बीच में प्लस का तीन, एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स माइनस तीन। हमने जो भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो अलग है, इसको ध्यान रखेंगे, अलग है वो, आंसर है पहला का, क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन था एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स माइनस तीन लॉग एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स माइनस तीन, हमने उसको कौन जगह लिखा, दो जगह लिखा। अगला में आगे में डी बाई डी एक्स, और पीछे में डी बाई डी एक्स, क्लियर। आगे में डी बाई डी एक्स, पीछे में डी बाई डी एक्स। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वन बटा वी डी वी बटा डी एक्स बराबर। अब देखें आप लोग, अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर के डी बाई डी एक्स क्या होता है, जब पावर में दो है कहाँ आएगा, नीचे पावर में क्या बचेगा वन, तो क्या होगा टू एक्स होगा, टू एक्स, और क्या होगा लॉग एक्स माइनस तीन, लॉग एक्स माइनस तीन, और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का आपका एक्स स्क्वेयर होगा। और इसको देख रहे हैं कंप्लीट है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है, तो देख रहे हैं कहीं अलग रफ में बना दे रहे हैं डी लॉग एक्स माइनस तीन। हम जानते हैं जो भी लॉग के बगल में रहता है नीचे उतरता है, तो एक्स माइनस तीन फिर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है एक्स माइनस तीन, और नीचे फिर क्या आता है डी एक्स आता है, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और वन बाई एक्स, मतलब लॉग के जो भी बगल में रहता है वो कहाँ उतरता है, नीचे आता है। जो भी लॉग के बगल में रहता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, वन बाई एक्स माइनस तीन, वन बाई एक्स माइनस तीन, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स का मान वन, और माइनस डी बाई डी एक्स तीन का मान जीरो। वन में से जीरो जाएगा तो वन, ठीक है, वन में जीरो जाएगा तो वन, वन से गुणा होगा तो यही होगा, तो इसका मान क्या होगा इंटू वन बाई एक्स माइनस क्या हो गया तीन। अब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि भी यहाँ पे भाग में है, भी किस में है, भाग में है, इधर आगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इसलिए किस डी वी बटे डी वी बटे डी एक्स का मान क्या हो गया, भाग में गुणा में होगा तो भी इंटू टू एक्स, भी इंटू टू एक्स लॉग एक्स माइनस तीन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस तीन, ठीक है। ये मेरा हो गया आपका क्या आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किसका मान भरना है, भी का, किसका मान भरना है, भी का। जब हम इसमें यहाँ पे भी का मान भरना है तो लिख देंगे या भी का जो मान हो क्या मान माने थे, तो भी का मान हमारा यह है, ठीक है, यह है, तो लिख दें एक्स माइनस तीन के पावर एक्स स्क्वेयर, हमने भी का मान यहाँ पर रख दिया, देखे तो भी का मान हमने रख दिया, और जब यहाँ पे भी का मान रख दिया तो बाकी उस तरह उतार लो, तो क्या है टू एक्स लॉग एक्स माइनस तीन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस तीन, ठीक है। तो यह दूसरा आंसर हो गया, हमें पहले बोल दिया लंबा हो, तो पहले पहला आंसर निकाल दिया, दूसरा आंसर, अब सबसे लास्ट में फाइनल आंसर, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर। हम शुरू में ही याद रखें, शुरू वाले पॉइंट को देखें, डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या लिखे थे, डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। तो पहला आंसर डी यू बटा डी एक्स का हमने क्या निकाला था, देखिए हमने निकाल के यहाँ पे आंसर रखा है, ठीक है, तो यही आंसर निकाला था, क्या चीज़, एक्स के पावर एक्स स्क्वेयर माइनस तीन इंटू टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस तीन अपॉन एक्स। तो हमने डी यू बटा डी एक्स का मान लिख दिया, तब देखें जब हमने डी यू बटा डी एक्स का मान लिख दिया, हम जानते हैं डी यू बटा डी एक्स का मान डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स, अब हमें प्लस डी वी बटा डी एक्स में मान लिखना है, प्लस यहाँ पे डी वी बटा डी एक्स का मान निकला है तो बगल में जगह नहीं, नीचे में लिख दे रहा हूँ, तो क्या है मान एक्स माइनस तीन के होल स्क्वेयर ओवर के होल पावर एक्स स्क्वेयर टू एक्स लॉग एक्स माइनस तीन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस तीन। देखें
एकदम इजी है, बस मन को शांतित से बनाएंगे तब। लंबा हो तो दो सवाल को अलग अलग मान लिए और लास्ट में आके पहला का आंसर और प्लस दूसरा का आंसर हो गया आंसर। कल के SWA क्वेश्चन नंबर 4 आप में से कोई विद्यार्थी पूछा है, यही ना था अनंत श्रेणी तक, रूटेक्स 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 अनंत श्रेणी तक था। तो कल के लेक्चर में हमने समझाया था कि पहला रूटेक्स को छोड़ के बाकी के लिए क्या मान लेंगे, वाई। पहला नीचे वाला को छोड़ के बाकी के लिए हम लोग वाई मान लेंगे। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा हमारा लॉग वाई, इधर जाएगा लॉग रूट एक्स के पावर वाई, आगे हो गया लॉग वाई। हम जानते हैं कि जब लॉग लेते हैं पावर नीचे उतर जाता है तो क्या होगा, वाई लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स। अब आप लोग इसे यू इंटू वी पे तोड़ देंगे, कितना तो आसान है। कल के SW के क्वेश्चन नंबर 5 था एक्स के पावर एक्स, आप में से कोई विद्यार्थी पूछा है कितना आसान है, नीचे भी चढ़ ऊपर भी चढ़, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग वाई इधर भी जब लॉग लेंगे तो क्या हो गया एक्स के पावर एक्स, जब लॉग लेते हैं तो पावर ला आगे आता है तो एक्स लॉग एक्स। अब यू इंटू वी पे इसे क्या करें, तोड़ दें। इस तरह से आपका भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हिंट्स दे दूंगा आप लोग बना लेंगे, चाहे बना भी दूंगा ऐसा लगेगा तो। ये रहा आपका SW, सभी लॉन्ग क्वेश्चन से आप लोग इसे बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। साथ ही आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक के बटन दबाएं, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि हर विद्यार्थी लॉकडाउन में घर बैठे अच्छा से पढ़ाई कर सके। थैंक्स।